नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर। आप जानते ही हैं, पर फिर भी एक बोलने की प्रथा है तो मैं भी उसका अनुशीलन करता हूं। मैं आज से कम मेरा ऐसा विचार है, आपकी कृपा रहेगी तो वो होगा पूरा। हम जिसे वर्ग चक्र बोलते हैं, अंग्रेजी में जिसको डी चार्ट्स बोलते हैं, उस पर एक श्रृंखला चालू करने का विचार कर। आज का जो मेरा संभाषण है, ये मेरे वर्ग चक्र के बारे में विचार जो है वो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं, आपको पता है, अब आप लोग बहुत दिनों से मुझसे जुड़े हैं, आपका बड़ा स्नेह मुझे मिला कि मेरे विचार करने की पद्धति कभी कभी एक दूसरे दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ, और वही मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसलिए ये वर्ग चक्र क्या है? वर्ग चक्र कुछ नहीं है। हमें मालूम है कि एक राशि में 30 अंश रहते हैं। एक राशि को पार करने के लिए विषुववृत्त पे 2 घंटे लगते हैं, 120 मिनट लगते हैं, है ना। जातक का जन्म जो है, ये 2 घंटे के अंदर भी हमने उसको समझ लिया कि ये यहाँ पर हुआ है, तो वो राशि चक्र का हमें 70-80% तो अर्थ समझ जाता है ना। आपको पता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि लग्नों को पहले निश्चित कीजिए, लग्न निश्चित किए बगैर बाकी सब गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी हम बताते हैं वो लग्न, ये जातक है, उसके परिप्रेक्ष्य में ये सब जो 12 उसके भाव दिए, 11 भाव दिए हैं, वो उसके परिप्रेक्ष्य, वो सच है या नहीं हमें नहीं मालूम, उसको क्या लगता है ये महत्व है। उसको लगता है कि मेरे पास बहुत प्रचुर धन है, दूसरे को लगेगा कि मेरे पास नहीं है तो उसके लिए नहीं है ना। उसको लगेगा मेरी माता मेरे पे प्यार करती है तो करती है, उसको लगता है वो माता सभी पे करती है। उसको लगता है मेरी माता मेरे से तिरस्कार करती है तो उसको लगता है, वो जातक को लगता है माता प्यार ही करेगी, उसको चिंता न कीजिए, है ना। तो इसे ध्यान में रखिए। अब प्रश्न ये आता है कि क्या कोई भी ग्रह ये 30 अंशों में कहीं पर भी रहेगा तो एक ही परिणाम देगा? हमें मालूम है कि हम उच्च का ग्रह है बोलते, फिर अत्युच्च का ग्रह बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। मित्र के घर में रहने से वो स्वग्रह से थोड़ा सा कम शक्तिशाली होता है, स्वग्रह में उसकी शक्ति बढ़ती है। अरे घरों में यदि बढ़ती तो घरों में कमरे भी है, ये कमरे जो है ये वर्ग चक्र। पर इसके लिए इसका जो समय का जो एक परिमाण है, ये कम होते जाता है। जैसा षष्ठ विषय में, यानी एक राशि के 60 भाग हमने किए तो 2-2 मिनट से लग्न बदल जाए, तो इसलिए इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो सावधान पूर्वक विवेक पूर्वक करना चाहिए। फिर ये ख्याल में रखना है कि मैं मुझे एक उंगली नहीं है, इसका मतलब मेरा हाथ काम नहीं करता है सर, है ना। आखिरी में ये जब हम वर्ग चक्र बोलते हैं तो पहला जो वर्ग है वो क्षेत्र, क्षेत्र का अर्थ जिसको हम जन्म लग्न कुंडली बोलते हैं ना, राशि कुंडली आजकल बोलते हैं, राशि चक्र बोलते हैं, वो है जन्म राशि चक्र जो है वो पहला वर्ग है। उसके बाद में बाकी 15 वर्ग आते हैं, 16 वर्ग रहते हैं, 16 वर्ग पराशर जी ने बोले हैं, जैमिनी की ने के चाहने वालों ने कुछ और भी उसमें जोड़ दिए हैं, कुछ जैमिनी जी ने भी बताए हैं, D11 वगैरह बोलते हैं उसको, परंतु हम पराशरी से चलते हैं ज्यादा, जैमिनी जटिल है, ऐसी जटिल तो नहीं है, पर एक पे ही पहले आप ध्यान दोगे तो अच्छा होगा। अनेक विषय है, नैसर्गिक दशाएं हैं, 70 दशाएं जैमिनी की है, 52 दशाएं पाराशर जी ने बताई है। इतना करने में वो ऋषि मुनियों को तो उतना जमता था, मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो नहीं जमता, तो मैं बिल्कुल प्रामाणिकता से बताता हूँ, आप मुझे जानते हैं, मैं बोलने में बहुत स्पष्ट हूँ। तो फिर इसका क्या फायदा? तो प्रश्न ये है कि ठीक है कि हमने पूरा शरीर, पूरी आयु, तो इसकी आयुष्य तो समझ ली, पर इसके आयुष्य के जो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, इनको ज्यादा समझने के लिए वर्ग चक्रों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। वो तब करना चाहिए, ये समझ के करना चाहिए कि वर्ग चक्र में यदि कुछ कमी है तो पूरे जातक को बहुत ज्यादा कमी नहीं होगी, वो कर्म से उसको पार कर देगा, है ना। हम आजकल पैरा ओलंपिक्स वगैरह देखते हैं, पावन रहता तो भी दौड़ते हैं, है ना। तो इसे समझ लीजिए, ये मेरा विचार करने की पद्धति है, मैं किसी के विद्वानों के खिलाफ वगैरह नहीं हुआ, इसे बिल्कुल गलत हो सकती है, मुझे बड़ा आदर है लोगों के बारे में, क्योंकि उनको वो समझता है, मुझे नहीं समझता, ऐसा मैं समझता। तो क्या
क्योंकि ये इतना कम समय की जो सीमा है उसमें उसको हमने तय करना कि इसी वक्त इसका जन्म होगा, ये कठिन है, ये आसान नहीं है। हाँ, जैसा आप बार बार उस व्यक्ति का करने लगे तो धीरे धीरे आपके ख्याल में आ जाता है कि ये कौन सा क्या होगा करके। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आजकल जो पद्धति है इसको हम जैसा लग्न कुंडली को देखते वैसे ही देखते, मेरा थोड़ा सा विचार भिन्न है, क्योंकि वहां पर ग्रह दृष्टि आप देख नहीं सकते। आजकल ग्रह दृष्टि तो हमारे वर्ग चक्र में देखने की एक प्रथा है, हो सकती है जिसको जो जिस पद्धति से भगवान को आप भगवान को प्राप्त कर सके उसके जाने में कोई हर्ज नहीं है ना। हमारा धर्म बड़ा अलग है, वो बोलता है कि विप्रा बहुधा वदन्ति कहा गया है ना, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, विद्वान लोग अलग अलग ढंग से उसको देखते हैं, मैं मेरा ढंग आपको। तो उसको हम अकेला चार्ट समझ के यदि देखने जाए तो कभी कभी हमें उसमें त्रुटियां नजर आए। दूसरी बात, वहां पर ग्रह दृष्टि देखने की भी प्रथा हो गई, मुझे वैयक्तिक वो सही नहीं लगता। इसका कारण ऐसा है कि पाराशर जी ने ऋषियों में जब हमें बताया है कि दृष्टि बल कैसा निकालना, तो वो अंशों में बताते, 120 अंश से ज्यादा दूर होगा तो पंचम दृष्टि होगी आदि बताते हैं। 30 डिग्री का एक एक है तो चार घर हो गए तो 120 अंश हो जाते हैं ना। मैं कभी डिग्री अंश बोलूंगा तो आप समझ लेंगे, आप समझदार हैं, और मैं दो तीन भाषाओं में बोलने से कभी कभी इधर का शब्द उधर प्रयोग कर देता हूँ। आप लोगों ने इतने साल से मुझे उसके लिए क्षमा की है तो आगे भी करेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ, और मैं वो लिबर्टी लेता हूँ, वो स्वातंत्र लेता हूँ ऐसा कभी कभी बोल लेने का, तो आपके उदार हृदय से। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर राशि दृष्टि का प्रयोग कर, राशि दृष्टि केवल जैमिनी में नहीं है, पाराशर जी ने भी दी हुई है, पाराशरी पढ़ेंगे तो हमको समझेगा क्यों दी होगी, क्योंकि उन्होंने 16 हमें वर्ग भी बताया है। 16 वर्गों में आप कैसी दृष्टि देखोगे, कभी कभी कुछ वर्गों में आपको एक दूसरे से 6-8 में जो ग्रह है वो एक ही राशि में बैठे हुए दिखेंगे, आप उनकी दृष्टि कैसे देखेंगे। या होरा चक्र जो करते हैं तो उसमें आधा आधा हिस्सा करते हैं, पहला सूर्य का दूसरा चंद्र का कहते हैं, और देखते वक्त तो 4 और 5 ऐसे एक दूसरे के सामने लिखते हैं, और उसमें चंद्र का 4 का नंबर मतलब आपको मालूम है ना, कर्क राशि, तो कर्क राशि भी जो चंद्र के होरा में उनको वहां दे देते हैं, और सूर्य के होरा में जो भी है ग्रह उनको 5 नंबर में डाल देते हैं, मतलब सिंह राशि डालते हैं। अब ये राशि एक दूसरे के सामने तो है, हमें भी पता है, तो ऐसा होता है। तो फिर ऐसा होगा तो ये सब ग्रह एक दूसरे को देखेंगे तो सभी को राजयोग होगा, सभी धनी हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा है कि यदि ग्रह सभी एक लग्न को यदि देखेंगे तो वो बहुत जबरदस्त राजयोग होगा, सबके सब ग्रह यदि किसी लग्न को जब देखते हैं तो बहुत तो शक्तिशाली राजयोग होता है, तो यहाँ तो होगा ही होगा, हर वक्त कैसा भी करेंगे तो ये अच्छा, वो निकालते वक्त भी एक दूसरे के सामने निकालते हैं है ना। राशि चक्र में आपने देखा होगा, कभी होरा चक्र जब देखोगे तो ऐसा करते हैं, बाजू बाजू में लिखा तो भी कोई हरकत नहीं, उसमें कोई गलत नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ आपको क्यों मैं ऐसा सोचता हूँ। राहु केतु कई बार आपको एक ही भाव में दिखेंगे, कुछ वर्ग चक्रों में वो एक ही भाव में दिखेंगे, तो आप उसकी दृष्टि कैसे देख सकते, देख सकते हैं राशि दृष्टि से देख सकते हैं, क्योंकि राशियां एक दूसरे पे दृष्टि डालती है। यदि राशियां एक दूसरे पे दृष्टि डालती है तो वर्ग चक्र में भी जहां हम राशियां लिखते हैं वो भी एक दूसरे पे दृष्टि डालती होंगी, और जब वो दृष्टि डालती है तो उनमें जो स्थित ग्रह है वो भी वैसी ही दृष्टि डालते हैं सका, इसलिए वहां पर खुद से षष्ठ भाव पे दृष्टि ग्रहण डाल सकता है, यानी अपना प्रभाव डाल सकता, क्योंकि आप जब सोचोगे चर और स्थिर राशियां एक दूसरे पर कैसे दृष्टि डालती, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपके ख्याल में आ जाएगा। ऐसा मेरे ख्याल से हमने जैमिनी का जो मैंने एक श्रृंखला चलाई थी उसमें उसका पूरा आपको अर्थ समझा दिया, अभी पश्यन्ति रुक्षाणि पार्श्व भेचर वगैरह क्या है वो समझा दिया है ना, चर राशि स्थिर राशि पे, स्थिर राशि चर राशि पे, परंतु अपने को लग के जो दूसरी राशि है उसको इमीडिएट लग के जो है उस पर नहीं डाल सकती, ऐसा कहा गया है ना, और द्विस्वभाव राशि एक दूसरे पे डालती है, इसका मतलब उनका एक दूसरे पे प्रभाव रहता है, ये हम मान्य कर सकते, क्योंकि जैमिनी जी ने भी ऐसी दृष्टि की बात की है,
और वहां पर आपको राहु की दृष्टि वगैरह दिखेगी। आपको पता है मैं राहु की दृष्टि ऐसा मानता नहीं हूं, पर जय मेरी कि जब यदि हमको तत्व उनका प्रयोग करना होगा तो हमको राहु की दृष्टि वहां लेना पड़ेगा, पर वो राशि दृष्टि लेना, ग्रह दृष्टि लेनी है ना। तो फिर इनको कैसा देखना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं है जैसा D10 जिसको बोलते हैं, दशमांश जिसको, अंश है एक हिस्सा, वो हर वक्त इक्वल सहसा, तो वो पूर्णतः दशमांश होगा तो 10-10 अंशों के ही हिस्से होंगे, कहीं कहीं उसमें फर्क पड़ता है, 3-4 अंश होते हैं, है ना। होरा में तो अलग अलग ढंग से होरा बनाते हैं, तो मुझे तो परिवर्तित ज्यादा अच्छा लगता है, मैंने मेरे किताब में भी रखा है, मुझे ये 4 और 5 वाला सही नहीं लगता, उसके कुछ कारण है, उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा। तो होता ही है कि दशमांश है, इसका मतलब क्या है, ये 10वां जो भाव है आपके जन्म कुंडली का, इसको बहुत बड़ा करके बताया गया, इसको लग्न समझना। तो इसलिए इसका लग्न क्या है, वो आपका कर्म का स्थान हो गया। फिर इसका जो दशमाधिपति है उसकी शक्ति क्या है, दशम भाव का जो कारक है उसकी शक्ति क्या है, ये आप दशमांश कुंडली में देखिए, वहां से वो अपनी शक्ति की ज्ञाति कर देगा। और ये सब जो मालूमात है इसको फिर से आपको कहाँ प्रयोग करना पड़ेगा, उसको आपके जन्म लग्न कुंडली पे ही प्रयोग करना पड़ेगा। मैं इस दृष्टि से सहसा देखता हूँ, मैंने आपको क्षिप्र रीति से बताया, जल्दी में बताया है, तो आप पर उसको समझ जाएंगे कि ये इस प्रकार से मैं थोड़ा अलग ढंग से उसको देखता। मैं खुद इनका प्रयोग बहुत कम करता हूं, ये मैं पहले ही बता देता हूं, मैं नवांश का जरूर प्रयोग करता हूँ, नवांश से ग्रह की शक्ति आती है, इसलिए नवांश में ग्रह की शक्ति मैं जरूर देखता हूँ, जब भी मैं कोई भविष्य कथन करता हूँ। साथ साथ तो मैं बहुत कुछ सीरियस, जिसको गंभीर कोई समस्या होगी तो ही देखता हूँ, वरना नहीं देखता, वरना मुझे समय ही नहीं रहे, है ना, आने वालों से ऐसा भी मैं परेशान हो जाता हूँ, मेरी उम्र हो गई है। तो इसे आप जानते कि मैं इस ढंग से मैं प्रयास करूंगा कि वॉरेन बफेट नाम के जो बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, क्योंकि धन सभी को अच्छा लगता है, तो उसकी कुंडली भी अच्छा है। अच्छा, उनका जो कुंडली है वो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, उनकी जो जिंदगी है वो भी वहां मिल जाएगी, तो इसलिए मैंने कुछ भी मेरे दिल से वगैरह मैं बताता नहीं, मेरी आदत भी नहीं है, आप देख ले सकते सही है गलत है क्या है। तो उनके अलग अलग जो वर्ग कुंडलियां है उसको लेके मैं बताने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कि वो मैं आपको शेयर कर दूं इस पे, तो ताकि आप वो देख सके क्या हो रहा है वहां पर, मैंने लिखा भी रहेगा वो मैं पढ़ूंगा कि ठीक है, पढ़ूंगा तो उसके साथ कुछ बोलूंगा भी, आप चिंता ना कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसको करते वक्त सोच समझ के करना चाहिए, ये समझना है कि कभी कभी वो डिचार्ज गलत भी रह सकता है, 10 अंशों की जगह 11वें अंश में यदि चला गया होगा, 4 मिनट का यदि फर्क पड़ गया होगा, तो उसके अक्षांश रेखांश लेने में भी आपका 4 मिनट का फर्क पड़ गया होगा, तो वहां एक दशांश का हिस्सा निकल जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा। षष्ठ अंश में 2 मिनट में भी लग्न बदल जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसको लग्न मान के, और इसका जो प्रयोग है वो करना आखिरी में आपको उसके मूल राशि चक्र में, इस प्रकार से मैं देखता हूँ, राशि चक्र की मर्यादा वर्ग चक्र उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, इस प्रकार से पाराशर जी ने भी कहा, दीपिका में भी कहा गया है, जब तक पारिजात में भी कहा गया, पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा कि ऐसा है, ये कोई मैं मेरी मनगढ़ंत तो कहानी कभी नहीं बताता, आप अब तक तो पता चल गया होगा कि वो मेरी आदत है। तो इस प्रकार से हम उस पर चर्चा करेंगे, हो सकता है मैं 1 महीने के बाद में वो करूँ, कभी 15 दिन में वो शेयर करूँ आपके साथ, क्योंकि अब उम्र के हिसाब से कभी कभी वक्त मिलता है कभी नहीं मिलता, पर मैं जरूर मैं प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा कि पूरे 16 वर्गों से उसी वॉरेन बफेट को लेकर, ताकि आप मैं उसको किस दृष्टि से देखता हूँ ये भी समझ, कारकत्व का भी वहां परिणाम आता है। और यदि चलो हमको भाई पाराशर जी ने लिया है वैसे ही करना है, तो वो क्या बोलते हैं, वो विंशोपक बल की बात करते हैं, वो बल की बात करते हैं, आपको ख्याल में आएगा
लग्न कुंडली और यानी क्षेत्र जिसको बोलते हैं, पहला D1 आप बोल सकते हो उसको, और नौवां अंश, इनको ये 20 जो अंशों का उन्होंने जोड़ लगाई है उसमें सबसे ज्यादा अंश इन दोनों को ही, षडवर्ग सप्तवर्ग या षोडश वर्ग ऐसा, जब दशवर्ग इस प्रकार से जब आप करते हैं तो इनको ही मिलते हैं। अब यहाँ हमें जब ये करते हैं ना तब उनकी शक्ति दिखना है क्या है, क्योंकि विषोपक बल से बाद में आपने भविष्य कथन कहना ऐसा पाराशर जी लिखा है, हम उनकी मर्यादा मैं उसको पार करना कभी नहीं चाहता। तो उस प्रकार से हम देखेंगे कि दशवर्ग में क्या है, दशवर्ग में यदि वो वर्ग कुंडली ली है तो फिर हम दशवर्ग बल देखेंगे, जहां वो षोडश वर्ग में है तो षोडश वर्ग बल देखेंगे, है ना, किसका, जिस चीज को हम देख रहे हैं उसका जो अधिपति है उसका बल क्या है, वो क्या करेगा ये हम देखेंगे। वो बलवान होगा तो अच्छे परिणाम देगा, वो क्षीण होगा तो कम परिणाम देगा, बहुत ज्यादा कम, कठिन वगैरह बात नहीं है। तो इतना करके मैं मेरा छोटा सा इसको हम प्रस्ताव बोलते हैं, इसको यही खत्म करता हूँ। ये सिर्फ आपको आगाह करने के लिए कि ये धोखा आपको सहन करना पड़ने वाला है, क्योंकि मैं इस पर बोलना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपने सब कुछ समझ लिया है, इसे भी समझ लीजिए, आगे देखेंगे कुछ जैसा भी आप लोग सुझाव देंगे उस चीज पे बोलने का मैं प्रयास करूंगा। और क्योंकि विशेषांश तो विशेषांश कई बार तो हम एक समझते हैं कि ये इस काम के लिए है, वो भलते किसी काम के लिए रहता तो मैं उसमें ये भी देखूंगा कि भाई पाराशर जी ने क्या कहा है ना, तुरीयांश काय के लिए बोला, भाग्य के लिए बोला है क्या, मैं वो नहीं देखूंगा कि वो लोग उसको भाग्य के लिए देखते हैं, इसको इसके लिए, उससे मेरे को मतलब, मैं ऐसा तो पुराने ख्यालों का हूँ ही, और पाराशर जी को मैं मानता हूँ कि उन्होंने हमको काफी दिया है, परंतु उसके साथ मैं दीपिका में मंत्रेश्वर क्या बोल रहे हैं वगैरह, इसको सबको ध्यान में लेके आपको एक क्या हम बोल सकते हैं, गुटका गुटका दे रहा है, उसको कंसाइज फॉर्म में देने का प्रयास करूंगा, ताकि आप उसमें प्रयोग करें, आपके पास चार्ट आते हैं उस पर देखिए कि क्या उसका प्रयोग होता है क्या। बाबा वाक्यम प्रमाण करने की पद्धति नहीं है, मैं कभी भी बोलता हूँ कि मैंने बोल दिया वही सही है, ऐसा बिल्कुल मत समझिए, प्रयोग कीजिए जो सच होगा उसे ग्राह्य करिए, नहीं है उसको छोड़। तो मित्रों मैं अभी जैसा हिंदी सिनेमा में बोलते हैं ना, जबान को लगाम देता हूँ और आपसे इजाजत चाहूंगा कि मैं इसे यहीं समाप्त करूँ, आगे देखेंगे क्या होता है। आप लोग भी मुझे आपके सुझाव दीजिए, क्योंकि ये होगा इसमें जब मैं डालूंगा उसके बाद में काफी समझ आएगा, उससे पहला आने को वो होरा से मैं शुरू करूँ, होरा यानी D2 बोलते हैं उसको, दो हिस्से कर दिए एक राशि के या एक भाव के, तो उसको D2 बोलते हैं, उससे मैं शुरुआत करूंगा, देखें आप जैसा आगे सोचेंगे कैसा। धन्यवाद, शुभ रजनी।